दोस्तों किसी ने सच्ची कहा है कि दोस्ती ही एकमात्र ऐसा रिश्ता है जिसे हम खुद बनाते हैं, बाकी सभी रिश्ते तो भगवान बनाकर भेजता है। एक अच्छी किताब 100 अच्छे दोस्तों के बराबर होती है, लेकिन एक अच्छा दोस्त पूरी लाइब्रेरी के बराबर होता है। लेकिन किसी व्यक्ति को अपना दोस्त बनाना बहुत सारे लोगों के लिए एक चैलेंजिंग काम होता है। अगर आप किसी इंसान को पसंद करते हो और उसे आप अपना दोस्त बनाना चाहते हो, लेकिन आपके पास कोई आइडिया नहीं है कि उस इंसान के साथ बातचीत कैसे शुरू करें, उसे अपना दोस्त कैसे बनाएं, तो ये वीडियो पूरा देखना। जब भी आप किसी नए इंसान के साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हो तो आपको ऑकवर्ड यानी बेतुका फील होता है और इससे आपका फर्स्ट इंप्रेशन खराब हो जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 5 वो टिप्स शेयर करने वाला हूँ जिसके बारे में अमेरिकन राइटर डेर कार्नेगी ने अपनी बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में डिस्कस किया है। इन 5 बातों को फॉलो करने के बाद आप किसी को भी अपना दोस्त बना पाओगे। तो दोस्तों मेरा नाम है मिस्टर प्रोटॉन, सो लेट्स बिगिन। नंबर 5, रिमेंबर नेम्स। दोस्तों हर इंसान को खुद का नाम बहुत ज्यादा पसंद होता है। लोग दूसरों से अपना नाम सुनना पसंद करते हैं, इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जब बड़े यूट्यूबर्स लाइव स्ट्रीम करते हैं तो लोग उनसे बार बार कहते हैं प्लीज शाउट आउट माई नेम, प्लीज लव यू अर्जुन सिंह, शाउट आउट टू यू। यहाँ तक कि लोग अपना नाम दूसरों से सुनने के लिए सुपर चैट के थ्रू पैसे भी दे देते हैं। इससे आप समझ चुके होंगे कि लोग खुद के नाम से कितना प्यार करते हैं। इसी चीज का आपको बातचीत के दौरान फायदा उठाना है। मान लीजिए कि आप किसी राहुल नाम के लड़के से बात कर रहे हैं तो आपको बार बार कन्वर्सेशन के दौरान उसका नाम बोलना है। यूपीएससी के इंटरव्यू के दौरान भी लोग ये ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी इंटरव्यूअर कैंडिडेट से प्रश्न पूछता है तो वो उनके जवाब की शुरुआत सर वर्ड से करते हैं। जिस व्यक्ति का आप नाम ले सकते हैं उसका नाम लें, और अगर सामने वाला इंसान आपसे एज में बड़ा है तो आप उसका नाम नहीं ले सकते, तो उस व्यक्ति से आपका जो रिश्ता है लाइक मामा, चाचा, भाई, इन शब्दों का इस्तेमाल करें। इसी ट्रिक का इस्तेमाल ऑथर एंड्रयू कार्नेगी ने भी किया था। उन्होंने खरगोश पाल रखे थे, लेकिन धीरे धीरे खरगोशों की तादाद बहुत बढ़ गई। अब वो उनके दाना पानी का खर्चा अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तभी उन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि अगर वो इन खरगोशों के दाना पानी का इंतजाम करेंगे तो वो इनका नाम उनके नाम पर रख देंगे, और ये आइडिया काम कर गया। कहने का मतलब यही है कि बातचीत के दौरान आपको सामने वाले इंसान का नाम यूज करते रहना है। नंबर 4, नेवर टेल एनीबॉडी दैट दे आर रॉन्ग। दोस्तों गलतियां हर इंसान से होती है, गलतियां होना तो स्वाभाविक बात है। जब भी आपका जूनियर या फिर आपका दोस्त, आपका कलीग या फिर कोई भी इंसान कोई गलती करता है तो उसे डायरेक्ट ये मत कहो कि तुम गलत हो। इसी बात को आप इनडायरेक्ट वे में कहो ताकि वो अपनी गलती भी सुधार ले और उसे बुरा भी ना लगे। जैसे कि अगर आपका कलीग काम में कोई कमी रख देता है या काम में थोड़ी बहुत गलती कर देता है तो उससे कहो कि मैं भी जब तुम्हारी एज का था ना तो मुझसे भी गलतियाँ होती थी, तुमसे ये गलतियाँ हुई है तो तुम ये काम ऐसे नहीं ऐसे करो। अगर आप डायरेक्ट किसी को उसकी गलती बताते हो तो ऐसा करके आप सीधे उसकी सेल्फ एस्टीम पर अटैक कर रहे होते हो। आप सामने वाले से बेस्ट हो ये उसको बताना चाहते हो, इसीलिए सबसे पहले अपनी गलती बताओ, फिर बाद में इनडायरेक्ट वे में उससे अपनी गलती सुधारने को कहो। नंबर 3, नेवर आर्ग्यू विद एनीवन। दोस्तों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम्युनिकेशन स्किल वाला बंदा कभी भी किसी से आर्ग्यू नहीं करता है। आर्ग्यू करने से रिलेशन खराब होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। दो दोस्त हैं, मान लो वो आर्ग्यू कर रहे हैं कि बीजेपी अच्छी है या कांग्रेस अच्छी है, तो आप मुझे बताओ कि क्या दोनों में कोई जीत पाएगा? दोनों ही अपने अपने पॉइंट्स को प्रूव करना चाहेंगे और अंत में आर्ग्यूमेंट कोई नहीं जीतेगा और वो दोनों अपनी बात पर और अडिग हो जाएंगे। मान लो आपने कोई प्रोडक्ट बनाया और कस्टमर बोल रहा है कि आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है, ये कमी है, वो कमी है, तब अगर आप उससे झगड़ा करते हो तो फिर दोनों में से कोई नहीं जीत पाएगा। ऐसे में आपको करना ये है कि कस्टमर को बोलना है कि हाँ सर, आप जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन क्या आप मुझे थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है प्रोडक्ट में? ऐसे में आर्ग्यूमेंट खत्म हो जाएगा और डिस्कशन शुरू हो जाएगा। इससे सामने वाले इंसान और आपके बीच के रिलेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर 2, मैच द एनर्जी लेवल। दोस्तों मान लो आप बहुत खुश हो, आप पूरी एनर्जी के साथ किसी दूसरे इंसान से बात कर रहे हो, लेकिन सामने वाला बिल्कुल लो एनर्जी के साथ बात कर रहा है, बिना इंटरेस्ट लिए आपकी बातों का जवाब दे रहा है, तो क्या आप ऐसे इंसान को अपना दोस्त बनाना पसंद करोगे? ऑफ कोर्स नहीं। इसीलिए जब भी आप किसी से बात करो तो आपका एनर्जी लेवल सामने वाले के साथ मैच करना चाहिए। भले ही आप सैड हो, लेकिन बातचीत के दौरान आपका एनर्जी और कॉन्फिडेंस लेवल सामने वाले व्यक्ति के साथ मैच करना चाहिए। नंबर 1, शो दैट यू आर फ्रेंडली। दोस्तों किसी भी इंसान को अपना दोस्त बनाने के लिए जरूरी है कि आप उसके साथ फ्रेंडली बिहेव करो, उन्हें दिखाओ कि आप उनकी बातों में इंटरेस्टेड हो। बी अप्रोचेबल, अच्छे से आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करो, ओपन बॉडी लैंग्वेज रखो, हल्की सी स्माइल पास करो और ये अज्यूम करो कि सामने वाला आपको पसंद करेगा। तो दोस्तों वीडियो को समराइज करते हैं। आपको लोगों के नाम याद रखने हैं और बातचीत के दौरान उनके नामों का उपयोग करना है। आपका और आप जिससे बात कर रहे हैं दोनों का एनर्जी लेवल मैच करना चाहिए, और आप किसी को भी उसकी गलती इनडायरेक्ट वे में बताइए, डायरेक्ट वे में नहीं।
और आर्ग्यू तो बिल्कुल नहीं करना है, आर्ग्यू करने से रिश्तों में दरार आती है, बाकी और कुछ नहीं होता। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड लव यू ऑल।